हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा जी जी टिप्स ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और मैं अभी ज़्यादातर सिलाई का ही वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा सिलाई कर रही हूँ। और आप सबको सभी को पता है कि अभी तीज आने वाला है। हम लोग में तीज का बहुत ज़्यादा ही ये रहता है पूजा का, सो हम लोग मैं तीज करती हूँ। और उसी का मैं कल के ब्लॉग में मैं अपना साड़ी दिखाई थी, उसी का पेटीकोट यानी कि साया सिल रही हूँ। और बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा सिलाई की हूँ, 2-3 प्लाजो खुद के लिए सिली, सलवार सूट, साया, एक ब्लाउज, यही सब अभी मेरा चल रहा है सिलने का कार्यक्रम। और इसी वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग भी नहीं लेकर आ पा रही हूँ। और ये मैं साया सिल ली हूँ, साया सीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ उसको ब्लाउज वगैरह सीने में थोड़ा सा टाइम जाता है। सो ये मैं उसका डोरी सिल रही हूँ। सो आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में बताना। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आप लोग सोचते होंगे एक ही बात बार बार बोलती है, पर मैं क्या करूँ, आप लोग का बहुत कम सपोर्ट आता है, इस वजह से मुझे बार बार बोलना पड़ता है। और ये मैं डोरी फटाफट से सिल लेती हूँ, और पिंक कलर का है। और मेरा ब्लू कलर का मुझे ब्लाउज भी सिलना है, जो कि शिफॉन का कपड़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा सिलने में। उसको मैं उसका सिलते हुए तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, पर उसका मैं फाइनल करके आपको दिखाऊंगी। और पूजा का भी मैं कोशिश करूंगी कि फुल ब्लॉग लेकर आ पाऊँ, देखती हूँ, कोशिश तो करूँगी, पर हो पाता है या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा उलझ जाती हूँ कि मैं वीडियो लेने का टाइम ही नहीं बच पाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो जाता है, और कोई दूसरा है भी नहीं जिससे बोलूँ कि मैं वीडियो ले लो, इस वजह से थोड़ा सा। और पिछले ब्लॉग में मैं अपने साड़ी में फॉल लगाई थी और साइड वगैरह का सिली हुई थी, और इसमें मैं ये कर रही हूँ। मेरा टैडी उधर से आराम से मुझे देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और बेटी इधर सो गई है, उसको बोली कि बेटा तुम सो जाओ कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी मैं काम निपटा लूँ अपना। और ये बेडशीट का कलर भी कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बेडशीट का। मैंने ऑनलाइन ही इसे मंगाया था। और मैं बस जल्दी जल्दी से नहाई हूँ, पूजा की, नाश्ता की और बैठ गई। मैं कुछ की भी नहीं, बाल भी शायद मैं नहीं ठीक की हूँ, क्योंकि काम जब हो जाता है तो ज़्यादा कुछ करने का मन लगता है, जल्दी से काम को निपटा लूँ। अभी तो मुझे प्रसाद भी बनाना है, खजूर पिरिकिया वगैरह जो बनता है उसको भी मुझे बनाना है, सब कुछ अकेले ही निपटाना है। सो टाइम के अकॉर्डिंग सब मैं अपने से ही निपटा दूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही करना है। तो मैं अपने टाइम के हिसाब से सबको सेट कर लेती हूँ कि कितना दिन में या कितना घंटा में कौन काम को निपटाना है। और मुझे काम समय पे ही ज़्यादा करना पसंद है, क्योंकि लेट हो जाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने टाइम को सेट की रहती हूँ कि हाँ कब क्या कैसे कर लेना है। सो देख सकते हैं आप, और ये मैं लगा के भी दिखाऊंगी डोरी आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और नेहा जी जी टिप ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और मैं सिलाई करके उठी हूँ, और देख सकते हैं मौसम अभी का, बारिश सा मौसम लग रहा है। अभी तुरंत बारिश होके छुट्टी हुई है, और मैं अभी सिलाई कर रही थी। देख सकते हैं मशीन वगैरह ये सब रखा हुआ है, और इधर बेटी मेरी सो रही है। सो आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं अब बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा अब फिर कुछ और सिलाई करना है, वो मैं करूँगी अभी। और आपको एक मैं प्लाजो अपना दिखाती हूँ, सिली हुई, जो कि मैं एक वीडियो में दिखाई थी, और ये देख सकते हैं। और इसमें अभी इसमें भी इलास्टिक लगाना बाकी है, मैं लगाती हूँ और आपको दिखाऊँगी। मेरे पास बहुत दिन से पड़ा हुआ ये कपड़ा था, तो मैं सोची कि इसको मैं प्लाजो बना लूँ, और बहुत अच्छा फिटिंग बना हुआ है, और मैं सिली उसको।
और मैं पहन भी रही हूँ अब सिल के, देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं मेरा मशीन सिली हुई, बहुत अच्छा ही मशीन है, बहुत काम देता है। और बाहर का मैं मौसम दिखा रही हूँ, और आज का मौसम बारिश तुरंत होकर छुट्टी हुई, पानी तुरंत हुई थी और फिर गर्मी भी हो गया है, लेकिन अभी मौसम कुछ ठीक ठाक लग रहा है। मैं बैक कैमरा से करके आपको दिखा रही हूँ, मेरे खिड़की के सामने का सीन सब है, और बाहर इतने न लेबर मिस्त्री वगैरह काम करते हैं कि मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ ज़्यादातर बस। और देखिए मैं इसमें अब और इसका मैं इलास्टिक नाप कर और इलास्टिक लगा रही हूँ कमर पे, थोड़ा सा वही मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और एकदम रेडीमेड के तरह ही लग गया है। इसमें बहुत इसको मैं कट कर लेती हूँ और पिन के सहायता से लगा के, और डोरी को भी उसमें लगा के इसको फाइनल करके रख दूँगी, तब ब्लाउज वगैरह ये सिलना है जो करूँगी मैं। तो देख सकते हैं इसको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ, देखिए किस तरह से ये लगता है। और जिनको भी अगर सिलाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई वीडियो देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अलग से वीडियो उसका, मैं ऐसे वीडियो ये सिलाई वगैरह वाला ज़्यादा शेयर करती नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम का ही अभाव हो जाता है, और मैं सिलाई जब करती हूँ तो मेरे माइंड में सिर्फ ये रहता है कि मैं जल्दी जल्दी उसको निपटा दूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर किसी को सिलाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। ये मैं फटाफट से करके, और इसमें साया का भी मैं डोरी सिल ली हूँ उसको भी मैं लगा के, और इसको बीच से सिलाई लगा लेना पड़ता है क्योंकि मैं इससे पहले ना क्या की थी कि इलास्टिक लगा कर ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ ऊपर नीचे इधर, तो उसको बीच से भी इलास्टिक के टाइट कर करके उसको सिलाई लगा लेना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा फिटिंग आता है, बहुत अच्छा इसका ये हो जाता है। सो मैं वैसा ही की हूँ, और खुद से मैं कोई वीडियो नहीं देखी, मैं खुद से सोची कि वैसा होना चाहिए, तो बाद में मैं एक वीडियो किसी का देखी तो चलो मैं सही काम की हूँ, क्योंकि खुद से भी आप कुछ सोचो तो वो भी अगर दिमाग लगाओ तो वो भी काम सही हो जाता है। सो ये मैं लगा ली, अब मैं इसमें डोरी लगा लेती हूँ, और डोरी लगा के साड़ी के पास इसको रख के, ताकि इससे तो कम से कम निश्चिंत हो जाऊँगी कि हाँ ये मेरा सिलाई डन हो चुका है, इसके बाद मैं ब्लाउज सिलूँगी। अब ब्लाउज में एक या दो दिन, क्योंकि ब्लाउज सीना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम का अभाव हो जाता है क्योंकि खाना नाश्ता कोई आया बच्चा सब तो इसी में देखना पड़ता है, इस वजह से हो जाता है, नहीं तो अगर दो तीन घंटा भी मिल जाए तो काफ़ी है ब्लाउज सिलने के लिए, लेकिन उतना भी नहीं हो पाता। और देखिए मेरा ये साया डन हो चुका है, और ये बहुत पुराना मशीन है, बहुत पुराना, 20 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन इतना अच्छा ये मशीन चलता है। इसमें मुझे स्टैंड लगवाना है पैर वाला, उसको लगवा लूँगी ताकि इजीली हो चलाने में, सोच रही हूँ उसको भी उसको लगवाने के लिए सोच रही हूँ, लगवाऊँगी जल्दी ही।